हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है हमारा इंस्टेंट चने की दाल का हलवा, जिसे आपको ना तो भिगोना है ना ही पीसना है। इंस्टेंट तरीके से फटाफट हम इसे बस 10 से 15 मिनट में बना के तैयार करेंगे। और टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि हमने यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो चलिए फिर देर किस बात की, बनाते हैं अपना टेस्टी और हेल्दी चने दाल का हलवा। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी चने की दाल ली है, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब जब मैंने एक कटोरी चना दाल लिया है, तो मैंने इसका 3 कटोरी यहाँ पे पानी ऐड किया है। पानी हमने ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि हमने इस दाल को बहुत अच्छी तरीके से पकाना है, ताकि इसका पानी कम ना पड़ जाए। हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से, जब तक कि ये अच्छी तरह से मैश ना हो जाए तब तक की सीटी आने देना है। लगभग 3 से 4 सीटी आने देना है और इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना है। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पे दाल ली है, तो मैंने यहाँ पे 3 कटोरी जो है पानी डाला है। तो बस अब हम इसे कुकर में डाल देंगे और लगभग 3 से 4 सीटी आने तक के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारी दाल जो है बहुत अच्छी तरह से पक गई है। मैंने 3 से 4 सीटी आने दी है और इस तरह से कि बिल्कुल घुट चुकी है। बस हल्के हल्के आपने इसमें दाने दिख रहे होंगे, ये हम रहने देंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमने एक पैन लेना है। इस पैन में मैंने, हमारा घी गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूंगी 2 कूट के इलायची और 3 कूट के लौंग। इससे एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। बस इन्हें हम हल्का सा तड़कने देंगे। बस इसी के बाद हमने जो हमारी दाल तैयार करके रखी हुई वो हमने इसमें ऐड कर देना है। फ्लेम को हमने मीडियम से लो ही रखना है। अब हमने इस हलवे को इसे चलाते रहना है लगभग 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें जो हल्का हल्का मॉइस्चर है ना वो ना चला जाए और ये अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो बस इसी तरह हमने धीरे धीरे हलवे को अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है और इसे चलाते रहना है। लगभग 3 से 4 मिनट के बाद हमारा हलवा जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो देखिए गाइस, लगभग 3 से 4 मिनट के बाद हमारा हलवा जो है, इसका जो मॉइस्चर है वो चला गया है, वो ड्राई हो गया है। तब हमने क्या करना है, इसमें आधा कटोरी गुड़ ऐड करना है। मैंने एक कटोरी दाल ली थी, तो मैंने आधा कटोरी यहाँ पे गुड़ लिया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप गुड़ की जगह यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करना चाहें, तो जितना मैंने गुड़ लिया है उतनी ही आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस हलवे में हमने अच्छी तरह से पक जाने देना है। अब हम, हमारा हलवा जो है हल्का हल्का ड्राई हो गया है, तो हम बीच बीच में इसमें घी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच घी और ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने 2 से 3 बार और इसमें घी ऐड करना है, मतलब इसमें पूरा जो है 2 से 3 बड़े चम्मच घी जो है इस हलवे में जाएगा। बस और हमने इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए और पकाना है। लगभग इस हलवे में पूरी प्रोसेस जो है हमारी 8 से 9 मिनट की लगेगी। 8 से 9-10 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। हल्का हल्का सा घी इसमें हमने बीच बीच में डालते रहना है, ताकि ये ड्राई ना हो जाए, और बस अच्छी तरह से इसे पका लेना है। तो देखिए, हमारा हलवा जो है अच्छी तरह से पक गया है, घी भी जो है इसने छोड़ने लग गया है। इसका मतलब है हमारा हलवा जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। ये देखिए, हमारा हलवा जो है अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देख लिया ना गाइस, हलवा बनाना कितना आसान था। फटाफट बनके तैयार हो जाता है, खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप गाइस आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।